दशहरा नजदीक है, लिहाजा देश भर में बुराई के प्रतीक रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं और दशहरे के दिन ये कहा जाए कि बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा, लेकिन दशहरा मनाने के लिए ये कहा जाए कि अलग अलग आजकल इनिशिएटिव लिए जाते हैं, अलग अलग तरह के आतंकवाद के चेहरे का रावण बनाया जाता है तो कहीं किसी दुष्कर्मी के चेहरे का रावण बनाया जाता है, लेकिन इंदौर में इस बार कुछ अनूठा होने जा रहा है। संस्था है पौरुष और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि उन पुरुषों के खिलाफ जिनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाकर कई सारी महिलाओं ने कई सारी दिक्कतों में डाला है, उनके खिलाफ ये पौरुष संस्था जो है वो काम करती आ रही है। लेकिन साथ ही साथ इस बार दशहरे पर तस्वीरें इंदौर में कुछ इस तरह की नजर आएंगी कि जहां ये कहा जाए कि ये रावण के पुतले के अलावा ये पुतला जलाया जाएगा सुपर्णखा का। ये कहते हैं कि इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण सुपर्णखा ही रही थी जिसमें भगवान राम और रावण का आमना सामना हुआ था। अशोक जी मेरे साथ में मौजूद हैं। अशोक जी जी, सबसे पहले तो धार्मिक मान्यताओं की बात करें जी, आप कहते हैं कि कारण सुपर्णखा रही। बिल्कुल सही है। देखिएगा, पौराणिक आख्यान के अनुसार अगर देखा जाए तो राम रावण राम और लक्ष्मण और सीता जी माता सीता का जब वन गमन हुआ तो वो वन में जब विराजित थे उस समय सुपर्णखा एक सुंदर सा स्वरूप धारण करके उनके सामने उपस्थित होती है और पहले राम के सामने अनैतिक प्रस्ताव रखती है कि मुझसे तुमको शादी करना होगी। राम इनकार कर देते हैं कि भाई मैं पहले से विवाहित हूँ और ये मेरी पत्नी है माता सीता, तो इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। उसके बाद में वो लक्ष्मण के पास जाकर के यही अनैतिक प्रस्ताव रखती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। लक्ष्मण जी भी मना कर देते हैं कि भाई मैं भी विवाहित हूँ, मैं नहीं विवाह कर पाऊंगा। अब वो क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर के बोलती है तुम इस स्त्री के कारण मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो तो मैं इसको खत्म कर दूंगी, इसको खा जाऊंगी। अब उसके बाद तो तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी माता सीता अपनी भाभी का जो है अपमान होते हुए नहीं देख पाते हैं और क्रोधित होकर के वो सुपर्णखा की नाक और कान काट देते हैं। उसके बाद में सुपर्णखा जो है वो क्रोधित होकर के भाग करके जाती है अपने भाई रावण के पास में और वहां अपने झूठ प्रपंच लंपटता अनाचार अनैतिकता और इन सबको फरेब को छुपा करके और रावण से बोलती है कि मैं तो माता सीता के दर्शन देखने के लिए गई थी जो कि विश्व सुंदरी है और ये उसके तपस्वी राम के छोटे भाई ने मेरा ये हर्ष कर दिया और मेरी नाक कान काट दी, मुझे इस तरह से वो किया और तुम त्रिकाल जयी हो, त्रिलोक के स्वामी हो, प्रकांड पंडित हो, बाहुबली हो, तुम अपनी बहन की नाक काटने का बदला उनसे जरूर लीजिएगा। इस तरह से झूठ बोल करके और वो ये सारा प्रपंच खेलती है, छल प्रपंच करती है और रावण भी सच्चाई को न जानते हुए राम से और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता। वर्तमान काल में इसका साम्य अगर देखा जाए तो आज के समय में भी कई अशोक जी मैं ये देख रहा हूँ मॉडर्न कलयुग की सुपर्णखाएं देखी है मैंने, कई जगह पर पुतले दहन होते देखे हैं, बुराई का पुतला का दहन होते देखा है मैंने, आतंकवाद का पुतला रावण रूपी पुतला दहन होते देखा है, लेकिन इस बार ये कुछ अलग सा नजर आ रहा है। जी जी, इसी पौराणिक आख्यान को हम वर्तमान काल से साम्य स्थापित करने के लिए जा रहे हैं कि वर्तमान में ये जितनी ऊपर जो चेहरे लगे हुए हैं ये सब चेहरे भी झूठ प्रपंच फरेब लंपटता अनाचार व्यभिचार के प्रतीक हैं और इन सब ने भी झूठे केस अपने ससुराल और अपने पति के खिलाफ लगा करके और अपने भाई और अपने पिताओं को सत्य छुपा करके झूठ फरेब प्रपंच के आधार पर इनके अपने पति और ससुरालियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। उन्होंने पुलिस थाने पर भी झूठ बोला, कोर्ट में भी झूठ बोल रही है, समाज से भी झूठ बोल रही है, मीडिया से भी झूठ बोल रही है। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम संस्कारहीन नारियों के झूठ फरेब प्रपंच को उजागर करें। केसेस हैं आपके पास? हमारे पास में कई केसेस 498 के हैं जिसको डावरी क्रुएल्टी बोला जाता है, दहेज क्रूरता, और उसके बाद में हमारे पास घरेलू हिंसा के केस भी हैं 406 की है, मतलब स्त्री धन में हेरा फेरी, स्त्री धन हमारा रख लिया, ये भी है। फिर उसके अलावा 323, 294, 506 भी है और कई केस में तो अपने पति के खिलाफ ये कानूनी प्रावधान नहीं होने के बाद में भी उन्होंने बलात्कार लगा रखा है और बलात्कार के साथ अननेचुरल सेक्स भी लगा रखा है। अशोक जी आपने जनरलाइज तो नहीं कर दिया सारी चीजों को? नहीं, ये लग रहा है ये कुछ जनरलाइज कर दिया? नहीं, ये जनरलाइज नहीं है, प्रतीक चिन्ह है और प्रतीक चिन्ह को ही हम कर रहे हैं। हम देखिए, हम सात संस्कारवान महिलाओं के पक्ष में हैं जिनका नाम है माँ, बहन, भाभी, काकी, दादी, नानी, चाची, लेकिन एक अनाचारी
एक व्यभिचारी, एक अनैतिक, एक संस्कारहीन महिला जो बहू के रूप में झूठे केस लगा रही है, पत्नी के रूप में केस लगा रही है, हम उसके खिलाफ है। तो हम जब 7 संस्कारवान महिलाओं के पक्ष में हैं, एक अनाचारी की, तो भाई ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम अनाचार को उजागर करें, संस्कारहीनता को उजागर करें, व्यभिचार के खिलाफ हो, अनैतिकता के खिलाफ हो, लंपटता के खिलाफ हो। हाँ, फेमिनिज्म एक बात अलग है कि वो फेमिनिज्म तो बुरे को भी अच्छा कहने पे तुला हुआ, लेकिन हम तो सत्य की खोज में और सत्य को उजागर करने बात करना चाहते हैं। यहाँ जो लोग मौजूद है सर जी, ये कहा जाए कि इस बार दशहरे पर सुपर्णखा का प्रतीकात्मक पुतला जलाया जा रहा है। बिल्कुल, और मैं कुछ आपके सामने पॉइंट भी रखना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान महिला आयोग की, महिला आयोग के अध्यक्ष ने एक बयान दिया था कि जो भी महिला झूठे केस करेगी उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जैसे ही ये न्यूज़ में आई, देश भर के 25 से 30 ऑर्गेनाइजेशन जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तुरंत आते हैं, पूरा दफ्तर घेरते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, वो मना करते आप किसी भी महिला के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। आप वो महिला में ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट कहा है जो झूठे करती है। सर, ये लड़ाई तथ्यों के आधार पर है या जनरलाइजेशन के आधार पर? सर, ये जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि यदि जनरलाइजेशन होता तो आज हम पूरी महिला को, विश्व की महिलाओं को बोलते, बट आज हम सिर्फ उन महिलाओं को बोल रहे हैं जिनकी वजह से महिलाओं का नाम बदनाम हो रहा है। आज वही महिलाएं भी प्रताड़ित है, वो महिला जो एक माँ है, बहन है, उनके ऊपर भी यही केस लगता है, बट वहां पर पुलिस थाने में एक ही महिला का सपोर्ट किया जाता है, वो है बहू, पत्नी। जो उसने कह दिया वो सच है, और जो भली पास पड़ोसी सब बोलते रहे वो सब झूठे। उसके ऊपर सिद्ध करने के लिए उसको 5 से 10 साल कोर्ट में लग जाते हैं, उसके बाद भी उसको कोई सजा नहीं, क्यों? मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस तरह की स्थितियां है। देखिए, मैं एक बार इस चीज को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उनका साफ तौर के ऊपर ये कहना है कि ये रिप्रेजेंटेशन है उस बुराई के प्रतीक का जिसका कि पुतले का दहन कल किया जाएगा। नाम दिया गया है सुपर्णखा का, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि वो जो झूठे केसेस लगाते हैं, वो जिनके कारण कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, ये वो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है।